बनी सुरवीर, सुरवीर उहे बनी सुरवीर। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागत आने समस्त भोजपुरिया, जहान के समस्त भोजपुरिया दर्शक गण के, और हम मानी आप सबके यश कुमार, और हम मानी आप सभी के ऋतु सिंह। आप सबका हम गोड़ चुके प्रणाम करत बानी। रउआ सबे देख रहल बानी सुरवीर संगीत के महासंग्राम। एगो ऐसन संग्राम जौना के मंच पर लेके आ गए बा लोग उत्तर प्रदेश के महारथी और बिहार के सूरमा। यहाँ मुकाबला बहुत कड़ा हो गए बा ऋतु। बिल्कुल, पिछला हफ्ता हमन के बीच में से एगो प्रतिभागी हमन के ही मंच छोड़ के जा रहा बाना, और अब एक कार्यक्रम के हमन के शुरुआत कल जाई, आगे बढ़ावल जाई। लेकिन उससे पहले का, अरे भाई कोनो भी दू गो जोन हमन के सामने टीम बटे बिहार के सूरमा लोग और उत्तर प्रदेश के महारथी लोग। हाँ। कोनो भी युद्ध के जोन एगो टीम होला वो अपनी बिना सेनापति के आगे बढ़ेला ना। बिल्कुल ना, तो काहे ना पहले लोन के सेनापति जी लोन के बुला लिया। बुलावा ना, तो सबसे पहले बुलावे जा रहा बन जा बिहार के सूरमा के सेनापति जी धनंजय मिश्रा जी के। और बिहार के सूरमा के सेनापति के साथ साथ वक्त हो गल बटे उत्तर प्रदेश के महारथिन के सेनापति के बुलावे खातिर, तो आवाज लगाओ ना। हाँ बिल्कुल, हम स्वागत करना चाहते हैं राजेश गुप्ता जी के। स्वागत है राजेश गुप्ता जी आपके। देखा जाओ तो बिहार की टीम अभी भी आगे बा, कहे से कि रउआ जो 6 गो प्रतिभागी लोग रहे लोग उनमें से एक प्रतिभागी जा चुकल बा। एलिमिनेशन के पहला हफ्ता में यूपी के महारथी से अनामिका त्रिपाठी के सुरवीर के मंच छोड़ के जाए के पड़ल। आज ही मंच छोड़ के तारा के जाए के पड़ी। और सभी सुरवीर के योद्धा लोग उनका के देहले शुभकामना सहित विदाई। अच्छे से नेक्स्ट ईयर में और प्रैक्टिस करके आऊंगी और नेक्स्ट ईयर सुरवीर बन के जाऊंगी। का रणनीति बाबा, तू बार बार रणनीति पूछे लगे। रणनीति, अरे केहू के मारे के होला तो कह के मारा जाला कि ए रुकिया रुकिया हम तो के मारे आओ तनी, लेकिन आज तोहके अपन रणनीति बताई। जय हो, बताई। सुर के मिसाइल लेके आइल बानी रण में, अब चाहे छय होई चाहे लय होई, आज सगरी दुनिया देखिए भैया संगीत के जय और बिहार के विजय होई। बहुत बड़ चैलेंज हो गल बा राजेश जी, रहुआ खातिर का कहो? तो जवाब नहीं बा कि सुर का पुआ पूरी पका के लय से बनेली खीर, अब चाहे कुछ भी हो जाए यूपी ही बनी सुरवीर। एकरा के कहल जाला भैया ईंट के जवाब पत्थर से, लेकिन का कहीं पुआ पकवान हमरो के बड़ा पसंद है, खीर का तो बतिए नहीं खे कोनो। तो देखे वाली बात हुई कहां से कि मामला बड़ा ही दिलचस्प हो गया। बिल्कुल, तो का देखल जाओ कि अब ऐसे ही होई या परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पता चली के केकरा पे परफॉर्मेंस में बहुत टाइम बटे। पहले हम चाहब के रहुआ सब अपन स्थान ग्रहण करी। तो अब का बारी बा? अब बारी ही बटे कि कोनो भी चीज के शुरू कैला से पहले। हाँ? जब तक निर्णायक मंडल हमन के सामने ना रही तो हमन के कोनो कार्यक्रम का शुरुआत करिए ना सके। नहीं बिल्कुल ना कर सकी ले जा, तो सबसे पहले हम बुलावल जा पे निर्णायक मंडल जी के। बिल्कुल, तो स्वागत बाटे गुरु माँ अनुराधा पौडवाल जी के। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू वेरी मच। आज मंच का शोभा, गरिमा सब कुछ आपे बानी। जब जब आप मंच में आती हैं ऐसा लगता है कि मतलब घनघोर बादलों को चीरते हुए सूरज चरम सीमा पे पहुंच गया। थैंक यू वेरी मच। हमारे गुरु माँ जी के आने के बाद यश जी, मैं अपने दूसरे जज को बुलाना चाहती हूँ, इस शो के पितामह श्रवण जी, प्लीज़ आप स्टेज पे आइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेज पे। मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार। आप दोनों लोग आ जाते हैं जब भी स्टेज के ऊपर चार चांद लगा देते हैं, आप लोग प्रतिभागियों के चेहरे पे ऐसी मुस्कान बिखेर देते हैं जैसे उन्होंने बिना लड़े हुए जंग जीत लिया हो। क्या बात, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इतना ही भी कहना चाहता हूँ कि देखिए ये संगीत का महासंग्राम जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, और हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं
इन सबों को अब बहुत मेहनत करनी है, बहुत रियाज करना है, बहुत साधना करनी है, ताकि आप इस संग्राम में अपने आप को सही जगह पर पाएं। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। और अब जबकि आमने सामने उत्तर प्रदेश के महारथी और बिहार के सुरमा लोग आके बैठ गए बा लोग, बोलो उनके सेनापति जी लोग आ गए बा लोग, और निर्णायक दल अनुराधा जी और श्रवण जी भी अपना स्थान ग्रहण कर चुकल बा लोग। तो अब कौन आने वाली है जल्दी से बता दीजिए आप। अब हम बताइब का उत्तर अपनी आवाज से, हमारी ख्याल से भोजपुरी इंडस्ट्री में कम से कम 400 से 500 फिल्म में अपन आवाज दिया ले बाले। बिल्कुल, जिनकी आवाज के बिना कोनो भोजपुरी इंडस्ट्री का फिल्म ही ना बन सकेला, वो एगो ऐसा आवाज बन गई बाड़ी। हर दिल अजीज अपनी आवाज की दम पर, अपना टैलेंट की दम पर, और हम उनका बहुत बड़ा फैन बानी। स्वागत बाटे इंदु सोनाली जी के। स्वागत बाप के मंच पे, जेकर नाम बटे सुरवीर संगीत के महासंग्राम। क्या बात है इंदु जी, को बात कहल चाहते हैं। जी जी, ये गाना आप गा दे नहीं है ना स्टेज पर, हमार करेजा एकदम गदगद हो गए। वो तो आप ही बताएंगे। वो ऐसे गदगद हो गई कि फिल्म दिलदार संवरिया के गाना है, और दिलदार संवरिया हमार और रितु दोनों जनी का ये पहली फिल्म रहे। भोजपुरिया के जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको मैं मेरा नमस्कार गोर लगातानी। और हम बचपन से गाना हम सुनत रहली अनुराधा जी मैम के, श्रवण जी के, लेकिन आज हमरा बहुत खुशी हो रहा बा कि आज इतने गुरु माँ पिता माँ के बीच में हमरा बैठे के मौका मिलल। बुझात हम सपना देख रहे काटे के पड़ी तनी काटी। सच्ची बिल्कुल बिल्कुल सपना नहीं है, हकीकत है। मैम भी कुछ कहल चाहता नहीं जी।
बिल्कुल इंदु, तुम्हारा गाना सुन के मैं तुम्हारी फैन हो गई। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर गाया। और देखो बच्चे लोग, आपको बता देना चाहती हूँ मैं कि ये आपका एग्जाम्पल है कि इसमें आपके देहात की बुलंदी भी है आवाज़ में, लेकिन उसके साथ एक्सप्रेशन की मुलायम जो होना चाहिए ना, तो उसका राइट कॉम्बिनेशन है और आप लोगों को पहुंचना वहाँ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए वही ऑर्केस्ट्रा है, वही साउंड है। आप देखिए कि ऑर्केस्ट्रा और साउंड के ऊपर किस तरह से इनकी वॉइस आती है। आवाज़ प्रधान है और ऑर्केस्ट्रा उसको फॉलो करता है। हाँ, ऑर्केस्ट्रा के अंदर आपकी आवाज़ छुप जाती है, वो नहीं होना चाहिए। हम चाहब कि आप अपना स्थान लें। जी अब का विचार बा, शो के स्टार्ट कर जाओ। बिल्कुल शो के जरूर स्टार्ट कर जाए। अब पहला प्रतिभागी के बुलावे के वक्त तो हो गए, लेकिन ओकरा पहले वक्त हो गए बटे एगो उहे जोन हमन के हमेशा लेत रहे नहीं जा, विराम। जी जैसे जिंदगी के चलावे खातिर सांस के जरूरत होला, ये भैया ये शो के चलावे खातिर ब्रेक के जरूरत बाटे। तरुआ सब कहीं मत जाए, देखत रही हमन का शो सुरवीर संगीत के महासंग्राम। बार फिर से स्वागत करते नहीं हमने के एक खास प्रोग्राम है जेकर नाम बस सुरवीर संगीत के महासंग्राम। यशी जी, हमारे जज लोग तो विराजमान हो चुकल बा जी, अब आगे के का विचार बा? आगे के विचार ऐसा बाटे कि कोनो भी युद्ध शुरू कैला के पहले जो शंखनाद होला ना, हाँ, तो आज भी उहे परंपरा के निभावत हमन के कहल जाए आज अपना पितामह जी से कि पितामह जी शंखनाद क के शुरुआत कर जावे अद्भुत शो जेकर नाम बटे सुरवीर संगीत के महासंग्राम के। एकरा के कहल जाला शंखनाद। अशुभ आरंभ, जब शंख के आवाज होके तो पूरा ब्रह्मांड गूंज जाओ। अशुभ आरंभ हो गेल बा हमारे शो के। बिल्कुल, और आज जान तड़ू एगो बहुत बड़ा चीज भइल बाटे इस शो में, जो नया चीज बा वो बड़ा देखे लायक हुई, बड़ा इंटरेस्टिंग हुई। और इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंटरेस्टिंग तो सिर्फ हमन के महुआ प्लस के दर्शक लोन खातिर हुई, लेकिन मुसीबत हो गई बाटे यूपी के महारथी और बिहार के सुरमा खातिर। ऐसे की ए बरी जो उत्तर प्रदेश के महारथी बालो आज जेन भी गई गाना गाई लो, वो गाना के देवे वाला बिहार के सेनापति जी बने। अरे बाप रे, यानी कि पूरा सेनापति जी दूसरे प्रतिभागी लोन के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में असमंजस में डाल देले बना। अरे बाप, आ सेम चीज राजेशो जी कम नहीं खा उठा के यूपी के महारथिन के सेनापति जी बिहार लोन के गाना दे देले बना। उहे फील करावे खातिर हम चलते हैं तोरा के लेके एवी के माध्यम से जानल जाओ, ऑडियो विजुअल की तरफ। हां एवी आई देखल जाओ, चला देखल जाओ। आज मैंने सॉन्ग सिलेक्शन अपने तरफ से चूज कर रखा था, लेकिन हमारे गाने को चेंज कर दिया है। अब तो बहुत कठिन परफॉर्मेंस होखे वाला बाटे। डर तो लागत बा भैया, अब नया गाना मिली केहू को तो तैयार करे में तो डरे नू लगी। धनंजय सर को क्या मैं सबको प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं हर तरह के गाने गा सकती हूँ। इनका गाना अगर बदल भी गया बा तो कम समय में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देबे का गारंटी हमार बा। पूरा यूपी का टीम पूरा चैलेंज देता बिहार के कि यूपी का ईगो लाइक ना चाहिए। राजेश जी भी अपना पसंद का गाना हमारे बच्चन के दिए हैं। रात भर गाना याद कर ले बन जा भैया, आ सब कोइला धैला पर पानी फिर गई। पिछले बार यूपी के ईगो लाइक ही हट गई बाटे, यही से उनका के कुछ मन में लगल हुई। कोई बात नहीं, ऐसे वो चाहते हैं, वह हमारे अंदर वर्सेटिलिटी देखना चाहते हैं कि हम हर तरह के गाने गा सकते हैं कि नहीं गा सकते हैं, चुनौती को अच्छी तरह से निभा सकते हैं और हमारे जोनर का गाना ना होते हुए भी उसे हम अच्छी तरह से गा सकते हैं। यूपी वाले लोग जान जैसे कि बिहार में ताकत कितना बा। हम वादा करते हैं कि यदि हमने से कुछ आशा कोई ले होके हमारा से तो हम वही पूरा करें, मना तो चैलेंज हुई तो बतिया हटा दे। और अब हमके पूरा विश्वास बा कि हमारे यूपी में से अब केहू ना जाए। तू कुछ हूँ दा कैसनो चैलेंज करा, हम और हमार टीम एकदम तैयार भी है। बाप रे बाप, बिल्कुल बाप रे बाप, तो मुंह से निकलबे करी बुझा था कि दोनों टीम में सौतिया डाला गल बटे कि तो हार नहीं हमार, हमार नहीं तो हार।
अब का होई? होई का अमन के चल के जानल जाओ। धनंजय जी रहुआ केकरा के भेज रहल बानी अपना टीम से? देखा जे भी कमजोर होला ओके चांस देहला का हर मजबूत इंसान के ओकर फर्ज होला। राजेश जी के चांस देता नहीं कि अपना टीम से बुला ले। देखिए जे कमजोर होला वो पहले आबे से भागेला पहला बात जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत दमखम बा, हमेशा से अच्छा प्रदर्शन कर ले बा जी। लेकिन अगर केहू हमके कही तो कोनो बात ना, हम स्वागत करब, हम आवे के तैयार बनी। भाई देखो भागे होगे वाला बात करब तब तो बर्दाश्त ना होई। कहबे करब नहीं तो ये भागे वाला बिहार हो तो बोला का करे के बा? करे के का बा? हम भेजा तानी पिंटू जा। पिंटू आ रहा है। पिंटू बाबू एक समस्या बाकी, रात भर जो गाना का तैयारी करनी जैसी यहाँ पे पहुँचनी गाना चेंज कर दिल बारे। डर तो है बा भैया, लेकिन मन में विश्वास भी का बा कि उनकर जो चैलेंज बा ओकरा के अच्छा से एक्सेप्ट करब और जाके बहुत बढ़िया से गाइब और अच्छा अच्छा कमेंट पाई। गाना गौला है ना, ए गाना से ए मंच के ऊपर तू 60 की दशक का एकदम याद ताजा कर दिया ना।
जोन गाना गौला शायद तोहरा के मालूम भी ना होई कि ये फिल्म चित्रगुप्त जी के संगीत निर्देशन में बनल फिल्म लागी नाही छूटे रामा की फिल्म से बा। और ये टाइटल सॉन्ग में जो अपन आवाज दिले रहे वो आवाज के माइलस्टोन लोगों के नाम बाटे लता मंगेशकर जी और तलत महमूद जी। और ये फिल्म आई रहे 1963 में। इतना पुरान गाना ये मंच पर गा के मतलब कि यार तू तो एकदम याद दिया देला 60 के दशक। बिल्कुल यही गाना गा के याद तो वो दशक के आ ही गई, साथ ही साथ वो गाना के बहुत लाज भी रख ले बानी यहाँ के। बहुत बढ़िया, आप कितना लाज रख ले बाना ये तो हमन के बाद में बतावल जाई। हाँ। काहे से कि हमन के बतावे का कोनो अधिकार नहीं के, हमन के सबसे पहले जानल जाई गुरु माँ अनुराधा जी से। बहुत सुंदर गाया तुमने और गीत तो बहुत ही खूबसूरत है। चित्रगुप्त जी के इतने सुंदर सुंदर गाने, मतलब भोजपुरी में तो पूरे छाए हुए ही थे वो, और उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान रहे। ये गाना सुन के उनकी याद, पुरानी याद ताज़ा हो गई। बहुत अच्छा गाया। नंबर जाना जाए 8 नंबर भेटाइल बा तोहरा के गुरु माँ की तरफ से। अभी 8 नंबर के साथ साथ बढ़ल जाओ अपने पितामह जी के तरफ और जानल जाओ। हाँ पिंटू, आवाज बड़ी अच्छी है, लेकिन जैसा यश जी ने बताया कि बहुत पुराना गाना है, शायद आपको नहीं पता इसका दर्द क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गाने को समझें, उसमें अपने एक्सप्रेशंस, अपने फीलिंग्स एक्स्ट्रा डाल दीजिए, बहुत ज़रूरी होता है, तभी रंगत आती है। हाँ तो आगे ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। नंबर 7 नंबर भेटाइल बटे तोहरा के पितामह से, और पितामह की बात अब हमन के जानल जाई हमन के सेलिब्रिटी जज इंदु सोनाली जी से। अच्छा लगा, अभी तो मैं भी, मेरी शुरुआत है अभी इन लोगों को सुनने का। इतना ही कहूँगी कि गाना सबसे पहले, कोई भी गाना हो, किसी भी फिल्म का गाना हो, उस गाने को पहले आप बनाइए कि ये मेरा गाना है, मुझे गाना है। क्या बात है। अगर आपने इस गाने को चुना है तो आपको वो रूह डालना पड़ेगा, तो बस डूब के गाइए, बाकी आपका सुर, आपकी जो आवाज़ है वो डेप्थ है आपकी आवाज़ में। क्या बात है। कितना नंबर दिया चाहो इंदु जी? 7 नंबर भेटाइल बा इंदु जी से। वैसे हम तोरा के को बात बताएं रितु। हाँ हाँ। उत्तर प्रदेश और बिहार के बात चली ना। हाँ। ये दोनों प्रदेश के कुर्बानी कभी भी ना भुलावल जा सकेगा। उत्तर प्रदेश का अगर बात कही जाओ तो वीर अब्दुल हमीद। हाँ। एगो ऐसा नाम बाटे जरा के कभी भी ना भुलावल जा सकेला, जिनका कुर्बानी कभी भी ना भुलावल जा सकेला। और अगर बात कही जाओ बिहार के। हाँ। तो बिहार के देवी पर चौधरी जी के नेतृत्व में 7 गो ऐसा सुरमा रहले बिहार के, जिनके उम्र महज 20 साल से भी नीचे रहे, लेकिन इतना कम उम्र होगला के बाद अंग्रेजन की ईंट से ईंट बजा दिहल लोगे भैया। तो उत्तर प्रदेश और बिहार हमेशा से आगे रहल बाटे और हमेशा से आगे रही। बुझलू? बुझ गए नहीं। तो पिंटू अब हम चाहब कि अपना स्थान के ग्रहण करब भैया, 22 अंक मिलल बाटे तोहरा के। जानल जाई राजेश जी से कि राजेश जी उत्तर प्रदेश के महारथिन में से केकरा के भेज रहल बाना। तो पूछल जाओ राजेश जी, केकरा के भेज तनी आप? हम भेजे चाहब विकास के। आज पहला बार हमके अपना अंदर तनी डर टाइप के महसूस होता कि हम कैसन गायब कैसन ना गायब, ऐसे पहले कब्बो ना भेले, पर आज महसूस होता तनी बहुत। जब से नैना लड़ बाते आगे बढ़ल, रोज अखिया रहेला इंतजार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में। जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल,
जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल रोज अखिया दगेला इंतजार में दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल दोनों अखिया दगेला इंतजार में दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में फेरू रब ना बनाइए बना बेच चाहिए तो बना बे ना ही पाएंगे तोहरा नियन रूप फेरू रब ना बनाइए बना बेच चाहिए तो बना बे ना ही पाएंगे चेहरा चमके नूरानी लग परियन के रानी चेहरा चमके नूरानी लग परियन के रानी तोहरा ऐसन केहू संसार में दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल रोज अखिया दगेला इंतजार में दिल भइल दीवाना तोरा प्यार 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 में विकास बाबू एगो बात कहल चाहता जी भैया इतना बढ़िया गायकी का प्रदर्शन कैला है तोहार सबसे बढ़िया बात एगो चीज लागेला जौन हर सिंगरन के सीखे के चाहे जी ए गाना के गौले बाना पवन सिंह जी जिन अपनी गायकी से भोजपुरिया जहान में एगो ऐसन विशाल पर्वत खड़ा कर दिलवाना जी भैया जौना के तुरल बहुत जनी की बस का बात नहीं है जी जितना भी सिंगर आवे ना उनकी गाना के उन्हीं के अंदाज में गावे ना लेकिन तू पहला ऐसा सिंगर बाड़ कि उन्हीं के गाना उनकी अंदाज से बिल्कुल अलग ले जाके गावे ला ई साबित कर ला कि तू एगो बहुत ही बढ़िया सिंगर बाड़ धन्यवाद भैया बाकी तू कितना प्रभावित कैले बाड़ हमन के जज मंडल के जानल जाय हमन के अपना गुरु माँ अनुराधा जी से उदित जी की याद दिलवाई अपने है ना उसी उसी किस्म के बहुत ही मीठे एक्सप्रेशन से इसके क्यों शरण भैया एकदम उदित जी की याद आई बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा गाया तुमने वेरी नाइस और थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो कि मतलब वो एक्सप्रेशन में ये मत भूल जाना कि सुर में लगता रहना चाहिए हाँ जी वो उसका भी पैरेलल ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी कभी ये होता है ना कि एक्सप्रेशन में जब खो जाता है आर्टिस्ट तब थोड़ा सा सुरों पे से ध्यान हट जाता है वैसा नहीं बहुत अच्छा थैंक यू आठ नंबर विकास बाबू तोहरा का भेटाइल बा और जानल जाई हमन के पितामा यानी कि श्रवण जी से कि वो क्या कहेंगे और कितना नंबर देना चाहेंगे बहुत बहुत अच्छे विकास बहुत अच्छा गाया आपने आपके गाने से हमारे दिल दीवाना हो गए बहुत अच्छा गाया हाँ बिल्कुल जो चाहिए गायकी में हाँ जैसा दीदी ने कहा है कि थोड़ा सा सुरों को और संभालना है बट एक्सप्रेशन वाइज और ये जो गाने को जो इस गाने में जो चाहिए वो सब आपने बराबर दिया बड़ा मजा आया मजा आया ये तो एकदम मैंने 90% मार्क मिल गया बट तोरा के पितामा जी की तरफ से जाना गया यमन के सेलिब्रिटी जज से इंदु जी से मैं मैम से और सर से सहमत हूँ इंदु जी से जानल जाए कि कितना नंबर मिलल बा हाँ बिल्कुल हम दिल चाहब 8 नंबर क्या बात है
तो रउआ सब कहीं मत जाई कहा से रउआ सब देख रहा बानी एगो ऐसा युद्ध जौना के नाम बा सुरवीर संगीत के महासंग्राम। उहे बनी सुरवीर उहे बनी स्वागत करतनी अपने एक खास प्रोग्राम में जेकर नाम बा सुरवीर संगीत के महासंग्राम। अरे महासंग्राम में उत्तर प्रदेश की सामने बिहार एकदम डट के खड़ा हो गल बटे भैया। उत्तर प्रदेश के एगो प्रतिभागी बाहर जा चुकल बन और बिहार अभी भी अपना 6 प्रतिभागिन के साथ मैदान में असही डटल बाटे। अब अगला परफॉर्मर अगला प्रतिभागी हमन के बुलावल जाई कहां से पूछा। ऑफ कोर्स बिहार से बुलावल जाई यार, बिहार के नंबर में तो बिहार से ना बुलावल जाई। आज मेंटर्स चॉइस राउंड है, यानी कि हमें गाने हमारे अपोजिट टीम के मेंटर ने दिया है। परफॉर्मेंस के लिए थोड़ी डरी हुई हूं, लेकिन उसके लिए भी कॉन्फिडेंस है कि अच्छे से कर लूंगी। झुमका चूमे गोरे गो गोरे गलवा नथुनिया कमाल करेला। हजुका चू मेला गोरे गोरे गलवा नथुनिया कमाल करेला। झुमका चू मेला गोरे गोरे गलवा झुमका चू मेला गोरे गोरे गलवा नथुनिया कमाल करेला। बाजे छमा छमा हो बाजे छमा छमा बाजे छम 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 पावे बैजनिया जवनिया बवाल करेला। हजुका चू मेला गोरे गोरे गलवा नथुनिया कमाल करेला। काश मैं आपके कान का झुमका बन जाता, परफॉर्म करते हुए आपके कमर का ठुमका बन जाता, लोड और बढ़ जाता। पहली बेरी मरले बड़ी सही जगह मिलल दे दलिए बाउंड्री के बाहर। अच्छा सब कहीं ना कहीं हमारा साथ के संगत के असर बाटे। ओह माय गॉड। वैसे रितु जी
अब जाने के ई बाटे कि जितना हिजा बैठल ऑडियंस झूमत रहल ह उतना हमन का निर्णायक मंडल झूमल बा कि ना। तब चले गए सबसे पहले अपने गुरु माँ जी के तरफ और जानल जाओ का कहल चाहत नी। ऋतु ये अकेली लड़की है, ये अकेली पार्टिसिपेंट है जो डे वन से इसका परफॉर्मेंस एक जैसा रहा है, मतलब वही स्टैंडर्ड इसने मेंटेन किया है, समझे ना। कि मतलब ये नहीं कि चलो रात हो गई तो थोड़ा ढीला हो गया, थोड़ी एक्सप्रेशन कम पड़ गई, थोड़ा सुर नहीं लगा, नहीं। जो पहले दिन जो इसका एकदम पावर पैक्ड परफॉर्मेंस रहा है वो आज तक वैसा ही रहा है और ये काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा। गॉड गिव थैंक यू माँ, थैंक यू मैम, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया। नौ नंबर बेटा आइलैंड है, बहुत बढ़िया अंक होला। अब जानल जाए हमन के पितामह से कि पितामह ऋतुराज, ऋतुराज बिल्कुल झुमा दिया आपने भाई, सभी को झुमा दिया। और वाकई जैसा दीदी ने कहा है कि भाई आप जो है एक आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल मेट्रोनम की तरह है, तो आई एम श्योर ये बहुत अच्छी साइन है और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर परफॉर्मेंस। आप नंबर कितना देना चाहेंगे? नंबर दामा जी से। अब जानल जाओ यस जी कि हमारे सेलिब्रिटी जज जी का कहल चाहता नहीं। बिल्कुल ऋतुराज जी, अभी कुछ जो आपने जो आपका जो एक्सप्रेशन था जस्ट लाइक मेरे जैसा था। झुमका चूमेला गोरे गोरे गलवा नथुनिया कमाल करेला, अच्छा लगा। और झुमका जो अपने बड़े बड़े झुमके आपने लटका रखा है, कमाल है, तो अच्छा लगा। बस सुपर। नंबर कितना देना चाहेंगे आप इनको? नथुनिया कमाल करेला। अब उत्तर प्रदेश के दूसरा प्रतिभागी के बुलावे के टाइम आगल बा, राजेश जी की तरह के भेजल जाए तो तनी मनी डर लागत भैया, ज्यादा गाना टफ बा, लेकिन हम पूरा तैयारी कैले बाड़ी और उम्मीद बा, आशा बा, विश्वास बा कि मंच पे जाके हमारा गाना सही होई। क्या बात भाई, भैया सुनी गोरी चर्चा बासगरी हो गोरी चर्चा बासगरी बजरिया में कोनो जादू बाट तोरी नजरिया में, कोनो जादू बाट तोरी नजरिया में गोरी चर्चा बासगरी हाय, गोरी चर्चा बासगरी बजरिया में कोनो जादू बाट तोरी नजरिया में, कौन जादू बात तोरी नजरिया में। क्या बात है, पोरे पोर पे गोराई अमराई महके गोरे गलवा पे कितना ललाई चमके, हो पोरे पोर पे गोराई अमराई महके गोरे गलवा पे कितना ललाई चमके, हो कितना नखरा बाबर है कितना नखरा बाबारे उमेरिया में, कोनो जादू बाट तोरी नजरिया में, कोनो जादू बाट तोरी नजरिया में है गोरी चर्चा बासगरी, हो गोरी चर्चा बासगरी बजरिया में कोनो जादू बाट तोरी नजरिया में।
कोनो जादू बाट तोरी नजरिया में, कोनो जादू बाट तोरी नजरिया में, कोनो जादू बाट तोरी नजरिया में, कोनो जादू बाटे तोहरा नजरिया में। बाबू नजरिया में तो सबकी जादू होला, केहू की में कम होला, केहू की में ज्यादा होला, बाकी तोहार जादू जज लोगन के दिल पर कितना चलल बाटे ये जाने चलल जाई हमन के निर्णायक मंडल के पास। सबसे पहले पूछल जाई गुरु माँ से आपको कैसा लगा ये? रुपेश तुम्हारा गाना मुझे हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन उसकी वजह जानते हो क्या? मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि जो भी आर्टिस्ट होता है ना, तो उसके जो सुर है वो उसके स्वभाव का एक विंडो है, और तुम्हारा स्वभाव बहुत मीठा है, तो वो जो तुम्हारे स्वभाव की जो मिठास है ना वो तुम्हारे सुरों में झलकती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब नंबर कितना मिला है गुरु माँ की तरफ से ये भी जान लिया जाए। 9 नंबर, क्या बात है। अब चलते हैं पितामह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए दीदी ने बहुत अच्छी बात बोली है, और आपके लिए ये वाकई एक अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि आगे भी जितने भी अभी राउंड होंगे उन सब में आप अपना स्तर यही रखें और आगे बढ़िए। 8 नंबर मिलल बटे बाबू पितामह जी की तरफ से। अब जानल जाए हमन के सेलिब्रिटी जज जिन बानी सोनाली जी से। गाना अपन समझ के गाएं और चिंता ना करें कि कौन जीती के हारी, तो जिंदगी हो। और मुझे लगा था कि अगर तू लड़की के देख तू एक बार कह दे बुआ तोरे दर 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 दरिया में, लड़की पट जाए। बिल्कुल दीदी ने सही कहा कि जो स्वभाव होता है उनके सुरों में झलकता है। तो जाना जाएगा हम लोग इंदु जी से कि इंदु जी कितना नंबर दिखल चाहब। 9 नंबर। हम रुपेश जी से कहब कि अपन स्थान ग्रहण करें। नहीं तो मत करता स्थान ग्रहण करो, काहे से कि हमन के जाए के ब्रेक पर बटले बटे 2 मिनट का ब्रेक ले तो हमन के साथे तू लो कि रउवा सब कहीं मत जाई, देखत रही हमन का ये प्रोग्राम सुरवीर संगीत के महासंग्राम। ऊहे बनी सुरवीर सुरवीर, ऊहे बनी सुरवीर। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत करतनी हमने के एक खास प्रोग्राम है जेकर नाम बस सुरवीर संगीत के महासंग्राम। और अब महासंग्राम में सस्पेंस के बारी शुरू हो गई भैया। रउआ सब सोचत हो कब कि कैसन सस्पेंस, हम बता देता नहीं कि वह पिछला सस्पेंस कि 6 गो प्रतिभागी है जब परफॉर्म करिए अपना गायकी के पेश करिए, ओ में 4 जनी के नंबर रउआ सब जान चुकल बानी, लेकिन अगला 2 गो प्रतिभागी के नंबर नहीं बतावल जाई। कब बतावल जाई? बतावल जाई शो के लास्ट में, कहा से कि जब 6 जनी के नंबर खुली तो केहू तू ऐसा हुई है भैया जे सेफ होके महाराजा जैसन कुर्सी पर बैठ जाई, 4 जनी सुर भंवर में फंस जाई लोग, और रविवार के दिन पता चली कि आज के 4 गो सुर भंवर में फंसल प्रतिभागी और काल के ओ प्रतिभागिन में से रविवार के मंच छोड़ के जाई, ते ए चीज के सिलसिला के आगे बढ़ावल जाई। और चलल जाओ अपने बिहार से, बिहार के सेनापति जी से पूछल जाओ कि के आवता उनके बिहार के सुर में। बहुत कठिन गाना देले बनी लेकिन हम याद कर चुकल बनी, अब देखी रिजल्ट में का होला। कि कोई आले अरे को तानी धड़कन जाता अरे चढ़ली रे जवानी, कि दे तो नहीं खो अरे किया होना तो हो जाई जियाने राजा जी, आवना तो हो जाई जियाने राजा जी, आवना तो हो जाई। आप फोन में डालो तू
जिया नए राजा जी आओ ना तो हो जाई, जिया नए राजा जी आओ ना तो हो जाई। अरे बोलो कहतारी काट जैसन लागे जब बोले कोई लरिया मन ममुराता जैसे ऐल सरिया ए भैया एकरे के छप रहिया भाव में कहे के बा अरे की काटनिया अरे लागे लाए सैया जी अरे कोईली के बोलिया ए राजा जी की काटनिया लागे जब बोले कोई लरिया मन ममुराता जैसे ओठल सरिया मन ममुराता जैसे ओठल सरिया कि कोई आले अरे तो हो जाई अरे जिया नए राजा जी आओ ना तो हो जाई जिया नए राजा जी आओ ना तो हो जाई आप तो मिटल तू परा नए राजा जी आओ ना तो हो जाई जिया नए राजा जी आओ ना तो हो जाई जिया नए राजा जी आओ ना तो हो जाई शानदार परफॉर्मेंस, क्या बात है। रोहित तोहरा बारे में एगो बात कहल चाहता नहीं बाबू जी। लोग कहला कि जब आजादी भइल रहे भैया तो अंग्रेज पूरा देश में अपन सामान छोड़ के चल गई न सो एगो चीज लेके चल गए न सो जौना का नाम रहे कोहिनूर के हीरा। अरे मैं कहता हूँ यार कि वो कुछ भी ले गए सर लेकिन कोहिनूर अभी भी इंडिया में है, भारत में है, और वो कोहिनूर कोई और नहीं हमारा रोहित है। क्या बात है, वाओ ऐसा हीरा, बाप रे बाप, एकदम स्टेज फाड़ छप्पड़ फाड़, क्या कहीं अब तोहरा खातिर हम हमन के जानल जाए निर्णायक मंडली से कि निर्णायक मंडली का कह रहा बा। हाँ चलते नहीं, सबसे पहले अपने सेलिब्रिटी जज साहिबा जी के पास और पूछते नहीं वहाँ के का राय बा। रोहित जी सबसे पहले हम कहब कि बहुत अच्छा रहुआ गौनी, और हम देखनी कि तनी रिदम की आवाज बहुत ज्यादा रहे लेकिन ओकरो बाद फिर भी रोहित गावल ना छोड़ल। एक होला के आवाज कम हो गए तो हम का गाई इस ना सोचते हुए रोहित ने बहुत अच्छा गौलस, और मैं महुआ प्लस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, साथ ही साथ इस प्रोग्राम को सुरवीर संगीत के महासंग्राम को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने ऐसे सुर को जो सुर वाला हो आपने इनको स्टेज पे लाया यहाँ तक, और बाकी ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा लेकिन यहाँ तक किसी को लाना ये बहुत हिम्मत का काम है। क्या बात है, बहुत खूब कहा आपने। और अब हम जानेंगे अपने पितामह से श्रवण जी से, श्रवण जी क्या कहेंगे। अरे क्या गाते हो रोहित भैया, क्या बात है भाई, जमा दिया एकदम। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो इसमें अभी रोहित का एक और जो है नया रंग हमने ये देखा कि आज रोहित खुद डांस करते हुए गा रहे थे। हाँ उछल उछल के गा रहे थे, कंप्लीट माटी की सुगंध आ गई, और कहीं कहीं मुझे एस डी बर्मन साहब की याद आ गई है।
क्या बात है, बर्मन साहब की याद आई। बस गॉड ब्लेस यू बेटा, आप ब्लेस्ड हो, मालिक का आपके ऊपर बहुत कर्म है और यूं ही आगे बढ़ते जाना, बस ये दुआ है हमारी। रोहित एगो बात कहीं जी, जोन आशीर्वाद आपके अपन पितामह की तरफ से मिलल बा ना, तू सच में बहुत खुशकिस्मत बाड़ा बाबू और तू अब जीत गई बाड़ा। बिल्कुल हाँ, अब जाना ले हमन के गुरु मासी के गुरु माँ क्या कहना चाह रहे हैं भाई। रोहित जी, जैसे कि मतलब आम समझ है कि रिदम में तुम्हारी आवाज़ छुप गई, मैं तो कहती हूँ तुम इतना बुलंद गाने लग गए हैं कि वो रिदम को बढ़ाना पड़ा। क्या बात है। सही बात तो ये है कि उनका वॉल्यूम कम लगने लगा तो बढ़ाया गया कि भाई ये पंच आना चाहिए इस रिदम में जी, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ज़्यादा बजा रहा है कम बजा रहा है, ये अपनी जगह पर टिके हुए हैं। और ये वो कॉन्टेस्टेंट है जी, जो धनंजय जी कहते हैं जा भाई जाके वो अवार्ड लेके आओ। क्या बात है, बहुत खूब। तो बहुत खूब गाया तुमने हमेशा की तरह। रोहित के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा जी। रोहित जैसे ये स्टेज के ऊपर आकर के जो इनकी हरकतें देखे ना, रियल लाइफ में इनसे बड़ी हरकतें हैं इनके पास। दरअसल अजीज मित्र हैं, खास दोस्त हैं, उनकी शादी के लिए देखने के लिए लड़की वालों की तरफ से पूरा लड़की का परिवार आया। ये बैठे हुए थे, लड़के के जो दो माँ बाप थे इनको बैठा दिया कि रोहित बैठल रहिए, अगर कुछ बोले को ही तो बोल दिया। लड़की की माँ, दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी एकदम गाय है। ये भी उठ करके बोला तो हमारा दोस्त वो एकदम बैल है। तो इसमें क्या है हमारे रोहित जी, रोहित जी के कितना नंबर भेटाइल बा ई बतावल जाई। अगला प्रतिभागी जब ये मंच पर आई हैं, अगला के बाद परफॉर्म करी हैं, तब दोनों प्रतिभागिन के नंबर आप सबके सामने रखल जाई और बतावल जाई कि आज के सुर की भंवर में फंस गई बा और के सुर भंवर से तर गई बा। तरहुआ सबे कहीं मत जाई, देखत रही ई प्रोग्राम जेकर नाम बटे सुरवीर संगीत के महासंग्राम। उहे बनी सुरवीर, उहे बनी सुरवीर। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने खास प्रोग्राम में जेकर नाम बा सुरवीर संगीत के महासंग्राम। और अब एपिसोड के आखिरी प्रतिभागी हमन के सामने आ रहा हलवाना, वो उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मेंटर्स चॉइस राउंड है, धनंजय मिश्रा जी ने हमें सॉन्ग दिए हैं और वो सॉन्ग मेरे जॉनर का बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी एक कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा करके आऊँ। लू
वाह, लष्टवा वाला तो एकदम राम बाण रहा है, लेकिन तोहार राम बाण कितना करेजा भेदले बा, ई जानल जाई हमन के निर्णायक मंडल से। अंकिशा तुमने अच्छा गाया है ना, लेकिन एक सजेशन है जी कि कोई भी गीत गाते वक्त उस उन सुरों को बिल्कुल चिपक के जाना जी। तो उसमें क्या उन सुरों के साथ तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी उतना तुम्हारा सुर भी उतना ठीक करेक्ट लगेगा जी। कहीं कहीं मुझे ऐसे लगा कि ऊपरी ऊपरी हो जाता है ना, तो कहीं इधर मतलब सुरों का बैलेंस कभी इधर गया उधर गया, ऐसा थोड़ा मुझे महसूस हुआ। उस गाने के जो योग्य है वो सुर ले लो, लेकिन जो लो वो करेक्ट लगे जी। ओके पितामह जी, अंकिशा यही कहना चाहूँगा कि जैसे दीदी ने आपको कहा है, जो आपका जो भी गाना आप गाती हो अच्छा गाती हो, आपके गले में खटके मुर्कियाँ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ठहराव वाला गाना अगर आप सिलेक्ट करोगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा गा सकती हो जी। तो आप प्लीज़ रागों पर ध्यान दीजिए और योगा करिए, सांस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अब जानल जाए हमन के सेलिब्रिटी जज इंदु सोनाली जी, बड़ा मुस्कियातन इनकी परफॉर्मेंस पर हुआ। मैं सर से सहमत हूँ इनकी बातों से, मैम की बातों से, बिल्कुल सही है, मैं इनसे ऊपर हूँ ही नहीं, क्योंकि आज मैं जो गा रही हूँ ऐसा नहीं कि मैं आई और स्टार्ट हो गई, नहीं, ये जो सीख है ये सीख मुझे अब तक मिल रही है और हमेशा इंसान को सीखना चाहिए। हमरा हाथ में वो कार्ड आ गेल बे भैया, जोने कार्ड पर लिखल नंबर ही बताई कि आज के सुर भंवर में फंसता और के सुर भंवर से तर जाता। लेकिन ओकरा से पहले हम ही चाहता नहीं कि जे परफॉर्म कर चुकल बा वो स्टेज पे आवे। पिंटू के भेटाइल बा 22 अंक, विकास के 25 अंक, ऋतुराज के 25 और रुपेश के 26। अगर ए दू जनी का नंबर तो हम लोगों से नीचे रही तो 26 अंक पाके रुपेश सुर भंवर से पार कर जाएगा, लेकिन अगर तोहार नंबर ए लोगों से कम हो जाए तो ही दू जनी सुर भंवर पार कर जाइलो और तू फंस जाएगा सुर की भंवर। तो सस्पेंस हम ज्यादा नहीं क्रिएट करब, हम बिल्कुल बता रहा बानी कि रुपेश 26 अंक पौले बड़ा और दू गो प्रतिभागी में जेकर नंबर हमन के सामने खुले जा रहल बा। अंकिशा के भेटाइल बा, बता दी, बता दे 23 अंक, और रोहित के मिलल बा गुरु माजी की तरफ से 9 अंक, श्रवण जी की तरफ से 9 अंक और हमारे सेलिब्रिटी जज की तरफ से भी 9 अंक, टोटल हो जाला 27। तो आज के एपिसोड के जसुर भंवर के पार कइले बा ओ दू गो नाम बा भैया रुपेश और रोहित, बाकी चार गो नाम ऐसन वालो जो फंस चुकल वालो सुर के भंवर में। काल शनिवार के दिन भी यह प्रक्रिया चली, लेकिन काल 6 गो प्रतिभागी नहीं 5 गो प्रतिभागी परफॉर्म करिए, कहां से कि एक गो प्रतिभागी हमन के बीच में से ये मंच छोड़ के जा चुकल बाटे। तब वक्त हो गल बा आप सबसे विदा लेवे खातिर, लेकिन रउआ सबे कहीं मत जाए, रोज शाम के टीवी के सामने आकर बैठ जाए 8 बजे से, कहें से रउआ सबे देखा था नहीं होगा विश्व युद्ध के बराबर का युद्ध जौना के नाम बा सुरवीर संगीत के महासंग्राम, शुक्रवार से रविवार रोज रात 8 बजे। उहे बनी सुरवीर, सुरवीर, उहे बनी। पहली बार मेरा दिल 100% जीता है, 100%। गायकी के जो मूड बा ओकरा पकड़े के बहुत जरूरी बा ममता। इतना दर्द कहाँ से ले आओ तड़ा मर्दे तुम? गुरु जी आशीर्वाद। दुनिया में सबको मेरे
मम्मी के जैसी मम्मी मिले हर बेटी को और पिता मेरे जैसा किसी को भी ना मिले। हमरा हाथ में वो कार्ड आगल बटे जकरा पर लिखल बा 5 गो प्रतिभागिन के किस्मत।